नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष वाल्मीकि। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। वाराणसी जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी पूजन मामले में आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष इस मामले में कोर्ट में अपना वकील तय करेगा, जिसके बाद ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। धारावाहिक स्वराज स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की स्पेशल स्क्रीनिंग में प्रधानमंत्री हुए शामिल। 75 एपिसोड वाले इस सीरियल का प्रसारण 14 अगस्त से दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज कनाडा के उच्च आयुक्त कैबरून मैके ने की मुलाकात। प्रदेश के निवेश और विकास पर हुई चर्चा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा से भी मिले कनाडा के उच्च आयुक्त। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 YouTube चैनलों को किया ब्लॉक। भारत की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर गलत जानकारी फैलाने का काम कर रहे थे ब्लॉक किए गए YouTube चैनल, जिनमें से 7 भारत से और 1 पाकिस्तान से हो रहा था संचालित। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी जिला जज की अदालत में आज श्रृंगार गौरी पूजन के मामले में मेरिट के आधार पर सुनवाई की जाएगी। मुस्लिम पक्ष जहां इस मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 7 और 11 के आधार पर खारिज करने की मांग करता रहा है, वहीं हिंदू पक्ष ने सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 2 और 5 के तहत बहस की थी। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ यादव की मृत्यु हो जाने के कारण मामले में आज की तारीख लगी थी। मुस्लिम पक्ष इस मामले में कोर्ट में अपना वकील तय करेगा, जिसके बाद ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। रामेंद्र, वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज श्रृंगार गौरी पूजन के मामले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए संतोष जी, जो जिला अदालत है उसमें 2 बजे के बाद सुनवाई होती है और उस समय सारे वकील हटा दिए जाते हैं। दोनों पक्षों के लोगों को ही उसमें केवल शामिल किया जाता है, जो हिंदू पक्ष है और जो मुस्लिम पक्ष है श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ा हुआ। 2 मुद्दों पर मूल रूप से बहस होनी है वहाँ। एक तो हिंदू पक्ष ने जो 2-5 के तहत अपनी मांग की है कि उन्हें श्रृंगार गौरी माता की पूजा करने का अधिकार दिया जाए, जो साल में एक बार होता था वो परमानेंट दिया जाए। उसके साथ जब कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि यहाँ की फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए, तो उसके बाद कुछ तथ्य और प्रकाश में आए, जैसे दीवालों पर जो भित्ति चित्र हैं वो बने हुए हैं, दीवालों पर कमल के फूल बने हुए हैं और जो वजू खाने में शिवलिंग की मूर्ति हिंदू पक्ष के राह मिली है वो कई महत्वपूर्ण एंगल में आकर के मुकदमा खड़ा हो गया है। मुस्लिम पक्ष का 7-11 के अनुसार कि ये पोषणीय नहीं है, इसको नहीं सुना जा सकता है और इसको खारिज कर दिया जाए। तो मूल रूप से 2 विषयों पर अभी जो कार्रवाई है वो कोर्ट में होगी। चूंकि अभयनाथ जी की मृत्यु हो गई थी, जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, तो उनकी जगह कोई दूसरा वकील आएगा जो उस पर सुनवाई करेगा। तो ये सारी चीजें आज होनी है। तो कोई जो पावर दाखिल करेगा अभी तय होना है कि किस वकील को खड़ा किया जाता है, कौन उसमें पावर दाखिल करेगा, ये 3 बजे के आसपास होगा। लेकिन मूल रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा होनी है और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से होते हुए इन्हीं 2 बिंदुओं के आसपास पूरी चीजें सिमटी हुई हैं। अब ये 2 बिंदुओं में अगर तय हो जाता है कि क्या आगे घटित होगा, जो जजमेंट आएगा उसके बाद ये मुकदमा आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। संतोष जी, धन्यवाद रामेंद्र जी। और अब अगले समाचार की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन द्वारा बनाए गए धारावाहिक स्वराज की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। देश की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को घर घर तक ले जाने के लिए दूरदर्शन ने विशेष धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का निर्माण किया है। 75 एपिसोड वाले इस सीरियल का प्रसारण 14 अगस्त से दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक किया जा रहा है। स्वाधीनता के नायकों की गौरव गाथा से सजे इस सीरियल में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह से लेकर अनसुने भूले बिसरे नायकों और वीरांगन नायकों की कहानी शामिल है। शिक्षा का और विज्ञान का भारत, जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया,
विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहां एक समय किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया करवाने के लिए कैबिनेट ने बैंकों को आर्थिक पैकेज की मंजूरी दे दी है। साथ ही ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को सहारा देने के लिए कैबिनेट ने बिना गारंटी 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज की सुविधा का ऐलान किया है। युवा शोधार्थियों के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित के लिए कई अहम फैसलों पर कर मुहर लगाई है। किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों को 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कर्ज पर ब्याज दरों में सहायता राशि की योजना को मंजूरी दी गई है। साल 2022 से 2025 के बीच इस पैकेज के तहत 34,856 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले लोन पर ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। गौरतलब है कि पूरी दुनिया पर महंगाई दर पर दबाव के बीच हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, लेकिन कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को पहले की तरह 4% की दर पर कर्ज मिलता रहेगा और बैंकों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का नुकसान भी नहीं होगा। जून जुलाई महीने में अगर आप देखेंगे तो दो तीन बार लगातार RBI ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की, एक बार 40 पॉइंट की, फिर 50, फिर 50 पॉइंट की। तो इसका प्रभाव किसानों को ज्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। कैबिनेट ने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। ये दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज खास तौर पर ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर के साथ जुड़े छोटे उद्यमियों के लिए है। कोविड से परेशान इस सेक्टर को वापस पटरी पर लाने और रोजगार पैदा करने के लिए ये फैसला बड़ा मददगार साबित हो सकता है। ये 50,000 करोड़ स्पेसिफिक ट्रेवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए रहेगा, जो एक बड़ा रोजगार देने का सेक्टर है, और इसके लिए जो एडिशनल हमें अपनी ओर से गारंटी कवर देना पड़ेगा वो एक्सक्लूसिव एडिशनल गारंटी कवर भारत सरकार देगी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का, ताकि 50,000 करोड़ रुपया ट्रेवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिल पाए। युवाओं को अपने विरासत और अनुसंधान के साथ जोड़ने के लिए शोधार्थियों के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल पेटेंट का आवेदन करने वाले युवा शोधार्थी कर पाएंगे और कुछ शुल्क अदा कर पारंपरिक ज्ञान संपदा का उपयोग भी कर पाएंगे। देश में उद्यमिता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। कि रिसर्चर्स को कई बार यही नहीं पता होता था कि इस क्षेत्र में रिसर्च करें तो क्या इसमें कहीं पहले से रिसर्च तो नहीं हुई, तो इस निर्णय के कारण उनका काफी समय कम भी लगेगा और उनका खर्चा भी और उनके संसाधन भी इस पे कम खर्च होंगे। अभी तक इस संसाधन का इस्तेमाल केवल पेटेंट ऑफिसेज ही कर पाते थे, जिसे अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के जरिए युवाओं में लीडरशिप क्षमता के लिए विकास के लिए भी इस कदम को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर कनाडा के उच्च आयुक्त कैमरून मैके से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश के निवेश और विकास पर चर्चा की। पिछले साल नवंबर में भारत ने अन्नपूर्णा माता मूर्ति की कनाडा से वापस ली थी। सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। लखनऊ में आज प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा के आवास पर भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके की अगुवाई में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में नगरीय विकास एवं विद्युतीकरण पर कनाडा के सहयोग से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। मुलाकात के बाद AK शर्मा ने कहा कि कनाडा के सहयोग से नगर विकास और ऊर्जा के क्षेत्र में, खासतौर से एनर्जी मामले में, हाइड्रो और विंड्स में क्या सहयोग ले सकते हैं, इस पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई।
कनाडा के हाई कमिश्नर हिज एक्सेलेंसी मैके से अभी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने आते ही लखनऊ की सफाई और सुव्यवस्था का उन्होंने बखान किया, मुझे बधाई दी, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। उसके बाद जो लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में नगर विकास के क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं उन बातों पर चर्चा हुई, कैसे हम सफाई कर रहे हैं, कैसे हमने सुबह की सफाई की शुरुआत कराई 5 बजे से 8 बजे तक, कैसे हम सफाई में मशीनों का उपयोग करने का हमने आग्रह किया, कैसे हम नए तालाब बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, जो हमारे गार्बेज और गंदे जो पॉइंट्स थे, वल्नरेबल पॉइंट्स थे वेस्टेज के, उनको हम कैसे उपयोग करके नए पार्क वगैरह बना रहे हैं, इन सब बातों पे काफ़ी चर्चा हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम किस दिशा में जा रहे हैं, डोर टू डोर कलेक्शन की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उनका विशेष इंटरेस्ट था कि प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे इसमें भागीदार बना रहे हैं, वो भी मैंने बताया कि डोर टू डोर कलेक्शन जो होता है उसमें लगभग आधा हिस्सा अब प्राइवेट एजेंसियां कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। उसी प्रकार हम पार्कों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, हम अपने पब्लिक टॉयलेट्स का संचालन, इन सारी बातों में हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, उत्साह उनका बढ़ा रहे हैं, CSR को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सब बातों पे विषयों पे बात हुआ। उसके बाद एनर्जी में भी थोड़ी बातें हुई। जो कनाडा एक ऐसा देश रहा है कि बहुत ही समृद्ध पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में रहा है, फिर भी उन लोगों ने रिन्यूएबल पे काफ़ी अच्छा काम करना शुरू किया है, विशेष रूप से हाइड्रो और विंड पे उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। सोलर का पोटेंशियल तो बहुत नहीं है, लेकिन विंड और हाइड्रो में उन्होंने अच्छा काम किया है। उस दृष्टि से मैंने उनसे कहा कि हम आपसे काफ़ी कुछ हमें सीखने जैसा है और हम लोग उन बातों को आगे भी बढ़ाएंगे। Impressed I was visiting Lucknow for the first time at what a clean city it is. Really impressive. I would say the cleanest city I visited in India so far, and beautiful. And thanks very much to the minister and everyone in the government and the private sector who worked so hard to keep the streets of Lucknow so clean. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। ये YouTube चैनल भारत की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर गलत जानकारी फैलाने का काम कर रहे थे। जिन 8 चैनलों को बैन किया गया है उनमें 7 भारत से और 1 पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा है। जिन 8 चैनलों को ब्लॉक किया गया है उन्हें 114 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं और सब्सक्राइबर की संख्या 85,73,000 है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से पहले भी भारत विरोधी जानकारी देने वाले कई YouTube चैनलों को ब्लॉक किया जा चुका है। इस संबंध में दिसंबर 2021 से अब तक 102 YouTube चैनलों को ब्लॉक किया गया है और इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन किया गया है। प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कल लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान परिसर में चीनी के रिटेल काउंटर की स्थापना की। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग संजय सिंह गंगवार भी उपस्थित रहे। सहकारी चीनी मिलों में उत्पादित चीनी की विशिष्ट पहचान स्थापित किए जाने के उद्देश्य से यूपी सहकारी शर्करा के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया गया है। गन्ना संस्थान परिसर पर स्थित ये रिटेल काउंटर प्रतिदिन जन सामान्य के लिए सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। 5 किलो की प्लांटेशन शुगर M30 का दाम 200 रूपये रखा गया है। इसी तरह 5 किलो की सल्फरलेस चीनी की पैकिंग का दाम 210 रूपये निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था गन्ना संस्थान न्यू बेरी रोड डालीबाग लखनऊ स्थित रिटेल काउंटर पर कराई गई है। अब तक हमारे कॉरपोरेशन के निगम की जो हमारी मिल थी, फैक्ट्री है शुगर फैक्ट्री, अब तक थोक में बिक्री हुआ करती थी। अब हम रिटेल में आए हैं और रिटेल में हमने पाउच से लेके 5 किलो के बैग और 50 किलो के बैग सल्फरलेस सब तैयार किए हैं। हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी उत्तर प्रदेश में। वैसे तो हमारी नजीबाबाद चीनी मिल को अब तक लगभग 18 बार फर्स्ट प्राइज मिल चुका है, लेकिन इस बार भी
हमारी सबसे अच्छी चीनी होगी और रिटेल में जैसे ही हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। स्वतंत्रता के 75वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखनऊ शहर में केंद्रीय कार्यालयों की सजावट प्रतियोगिता में चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चारबाग रेलवे स्टेशन के निदेशक आशीष सिंह को दिया। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का चारबाग रेलवे स्टेशन अपने ऐतिहासिक महत्व, बेमिसाल खूबसूरती और पारंपरिक संस्कृति की अमूल्य धरोहर के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर वर्तमान के समृद्ध एवं सशक्त भारत तक के प्रत्येक कालखंड में इस स्टेशन की भव्यता और खूबसूरती सदैव निखरती रही है, जिसको इस वर्ष भी आजादी के अमृत रंगों से सजाया गया। खिलाड़ियों को खेल के मैदान में अपने जौहर दिखाने के लिए जाट रेजिमेंट की बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी 2013 में स्थापित की गई। इस बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी का मुख्य उद्देश्य देश के लिए ऐसे खिलाड़ी तैयार करना है जो ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर देश का नाम रोशन कर सके। वर्ष 2013 से अभी तक इस कंपनी ने अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में 200 से अधिक मेडल जीते हैं। यहां 8 से 14 साल के उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर कोई मेडल ले चुके होते हैं। सेना इन खिलाड़ियों के हुनर को पहचानकर उन्हें खेल के मैदान में उतरने के लिए तैयार करती है। कंपनी में मुख्य रूप से रेसलर तैयार किए जाते हैं। हाल ही में कंपनी के अंकित ने खेलो इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड और ललित ने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस कंपनी में बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर एक परिपक्व खिलाड़ी के तौर पर तैयार किया जाता है ताकि वो अच्छे खिलाड़ी बनकर तैयार हो सके। इधर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है, नोड का स्टाफ भी बहुत अच्छा, जिससे हमें बहुत कंपटीशन मिलता है करने के लिए, जोर मिलते हैं और हमारा स्टाफ भी अच्छा है, फैसिलिटी भी बहुत दे रखी है, हमारे मंडल साहब भी बहुत अच्छे हैं। जैसे 11 से 14 साल तक भर्ती होती है बच्चों की, उसमें हमने ट्रायल देनी पड़ती है, उसमें फिर सिलेक्शन होता है। मेरे को 5 साल इधर बोज में हो गए। रेसलिंग में गया था रोम इटली में, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, बहुत अच्छा लगा देश के लिए। हमारे फ्यूचर की तो ओलंपिक की एडमिशन है और हमारे को सब प्रैक्टिस करवाते हैं 3 टाइम। ये हमारे पास आर्मी चैंपियनशिप होती है, जो फर्स्ट होते हैं वो पूर्णा चलाते हैं और सेकंड होते हैं वहाँ, या ग्रीन टीम बोलते हैं, इनको हम आगे फिर आर्मी के लिए तैयार करते हैं। आर्मी में जो फर्स्ट होने के बाद ये सर्विसेज में जाते हैं, सर्विसेज में जाकर नेशनल का गेम होता है, नेशनल में होने के बाद ये इंटरनेशनल। हमारा एक ही मकसद है, देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल दिलवाने। और हमारे यहाँ से नोट से रेसलर गए भी हैं, तैयार भी किए, ओलंपिक में भी गए हुए हमारे से 19 जाट का हमारा एक रविंदर खत्री पहलवान है, यहीं से प्रैक्टिस कर ओलंपिक में गया। बच्चों को अच्छी मेहनत करवा के और अच्छा एक स्पोर्ट्समैन बनाना हमारा पहला मकसद होता है और उसी के लिए हम हमेशा समय समय पर उसकी देख रेख करना और स्पोर्ट्स के तौर पर आगे ले जाना, ये काम हम करते रहते हैं। यहाँ के बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के बहुत से स्पोर्ट्समैन ऐसे भी हैं जो नेशनल के तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर भाग लिया है उन्होंने और पदक भी हासिल किए हैं। हाल ही में एक लड़का नेशनल जूनियर में लड़ने के लिए यहाँ से गया था, कहाँ से पदक लेकर आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बच्चों को विज्ञान की आधुनिक तकनीक से जोड़कर आसान तरीके से कठिन विषयों को समझाने के लिए नवाचार में ललितपुर के केंद्रीय विद्यालय को बड़ी सफलता मिली है। जिले के केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका रीना कृष्णन को QR कोड नवाचार को राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रीना कृष्णन ने QR कोड तैयार करके छोटे छोटे वीडियो से छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी के लिए महत्वपूर्ण इनोवेशन किया था, जिसका कि प्रदेश के कई विद्यालयों पर परीक्षण करने के पर शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिले। हमारे केंद्रीय विद्यालय में हमारी बायोलॉजी टीचर ने हमारी स्टडीज को, हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक नई तकनीक का आविष्कार किया है, जिसकी वजह से हम कभी भी कहीं भी उस QR स्कैन को स्कैन करके पढ़ सकते हैं, जिसमें एक एक मिनट की काफ़ी वीडियोस हैं और हमें स्पेसिफिक कंटेंट मिल जाता है। हमारी बायोलॉजी टीचर ने QR कोड के हेल्प से स्कैन करके हम किसी भी जगह किसी भी समय बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जैसे डिफ़िकल्ट टॉपिक को मैम ने आसान तरीके से हमें वीडियो के जरिए समझाया है।
जी, ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, ये जुलाई में लॉन्च हुई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी ने अपने आप को एक तरीके से रिवैम्प किया था, जिसे कह सकते हैं। तो उसी में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन एक पायोनियर इंस्टीट्यूट है, एक जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा नीति को हम किस तरीके से लागू करें। इसकी वजह से हमने ये नवाचार पद्धति का उपयोग किया और इसमें जो QR कोड हमने डेवलप किए, जो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी के सबसे मुश्किल यूनिट लगा करती थी बच्चों को, और इसको हमने 10 केंद्रीय विद्यालय में लागू किया, जिसकी वजह से बच्चों ने QR कोड टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई की, और इसके परिणाम स्वरूप हमने डेटा जब इकट्ठा किया, 200 बच्चों का डेटा था, और जब उसको एनालाइज करा तो हमें पता चला कि बच्चों का बायोलॉजी के प्रति रुझान, उनका कार्य करने की क्षमता, उनमें जो समझने की क्षमता, आसान तरीके से कार्य करने के लिए उनको उत्साहित मतलब दिखाई दिए वो, और उनके जो रिजल्ट में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो है वो बहुत ज़्यादा सुधार देखा गया। करीब उनका एवरेज जो है 4.2 के करीब से जो है वो बढ़ा। केंद्रीय विद्यालय ललितपुर में नई शिक्षा नीति जो सरकार द्वारा घोषित की गई है, उसको लागू करने के लिए नई शिक्षण पद्धतियाँ चल रही हैं। अभी ताजा ही इनोवेशन अवार्ड हमारे विद्यालय को मिला, जिसमें हमारे विद्यालय की एक शिक्षिका ने QR कोड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका खोज निकाला है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को जिन झूलों पर झुलाया जाता है, वो अधिकांश झूले हाथरस में बनाए जाते हैं। यहाँ कई स्थानों पर पीतल और एल्यूमिनियम के झूले बनते हैं। हाथरस में लड्डू गोपाल की मूर्तियां और उनकी बांसुरी भी बनाई जाती है, लेकिन यहाँ के झूले देश भर में मशहूर हैं। इन झूलों को बनाने वाले एक कारोबारी ने बताया कि हाथरस में बने झूलों की पूरे भारतवर्ष में मांग है। होली से लेकर रक्षाबंधन तक इन्हें तैयार किया जाता है। करीब 350 साल पहले 17 अगस्त 1666 में औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर छत्रपति शिवाजी आगरा से राजगढ़ के लिए रवाना हुए थे। इसी को लेकर छत्रपति शिवाजी के सेनापति के 14वें वंशज के नेतृत्व में 100 सदस्यों के एक दल ने आगरा में गरुड़ उड़ान यात्रा निकाली। इस अवसर पर आगरा किले के सामने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने माल्यार्पण कर आगरा से 1253 किलोमीटर लंबी गरुड़ उड़ान यात्रा को राजगढ़ के लिए रवाना किया। इस यात्रा में 1000 धावक, 100 साइकिल सवार और 4 घुड़सवार शामिल हैं। ये यात्रा 13 दिन बाद राजगढ़ पहुंचकर संपन्न होगी। राजगढ़ रवाना होने से पहले महाराष्ट्र से आए 100 सदस्यीय दल के कलाकारों ने शिवाजी महाराज के समय की युद्ध कला का प्रदर्शन भी किया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि कोठी मीना बाजार में जहां छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था, उस स्थान को जल्द ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और आगरा में छत्रपति शिवाजी की 100 फीट की प्रतिमा लगाई जाएगी। देखिए, शिवाजी महाराज का आगरा में एक स्वर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है आगरा से। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसने छल कपट से बंदी बना लिया था। और अब तक किंवदंतियाँ ये थीं कि शिवाजी महाराज को लाल किले में कैद किया गया था और वो अपनी चतुराई से, अपने शौर्य से, अपने साहस से, अपनी कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता से और उस योजना को कार्यान्वित करने की अद्भुत प्रतिभा से उस समय की सबसे बड़ी ताकत को मुंह पर थप्पड़ मारकर निकले थे। ये एक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, प्रेरणाप्रद पृष्ठ है, लेकिन आगरा में इसको भुला दिया गया था। हम डॉक्टर सुगम आनंद, स्वर्गीय अब अमी आधार निधर और हमने मिलकर उसकी खोज की, आखिर वो कहाँ थे। तो मिर्जा राजा जयसिंह की कोठी, मीना बाजार की कोठी जो कहलाती है, मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह की कोठी थी, वहाँ औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद करके रखा था। अब उसको स्मारक के रूप में विकसित करना ये हमारा उद्देश्य है। माननीय योगी जी से बात हो गई है, वो भी इसको इस रूप में विकसित करेंगे। और शिवाजी महाराज के सिपहसालारों के 14वें वंशज आगरा आए हुए हैं
आज के दिन शिवाजी महाराज यहाँ से निकले थे, आज यहाँ से इनकी यात्रा निकल रही है उस रास्ते से जिस रास्ते से शिवाजी महाराज आगरा आए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से जब मिलने आए थे तो छल कपट से औरंगजेब ने जब उनको कैद में डाला था वो तारीख थी 12 मई 1666। वो 99वें दिन छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा की कैद में थे। वो जिस दिन वो अपनी चतुराई से छूटे वो तारीख थी 17 अगस्त 1666। तो अपनी चतुराई ये वर्ल्ड को बताने के लिए एक इंटरनेशनल स्तर पर ये लेके जाने के लिए मानवंदन देने के लिए हम ये लगातार तीसरे साल से कर रहे हैं। आगरा से राजगढ़ दौड़ लगा के जा रहे हैं। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट में आगामी 19 अगस्त से अग्निवीरों की भर्तियां शुरू हो रही हैं, जिसके लिए युवा रात दिन मेहनत कर खेल के मैदान पर अपना पसीना बहा रहे हैं। युवाओं में भारतीय सेना में भर्ती को लेकर उत्साह देखा जा रहा है और प्रशासन ने भी इस प्रक्रिया को सरल ढंग से पूरा करने के लिए तैयारियां कर ली हैं। जो है यहाँ पे भर्ती होनी है उसमें जो है प्रशासन की तरफ से जो भी तैयारियाँ की जानी थी उसी के संबंध में जो है आज भी तैयारी बैठक थी, जिसमें बैरिकेटिंग, लोगों को आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था, साथ ही साथ जो है जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, अल्टरनेटिव मिलने की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन जाने के लिए साइनेज बोर्ड वगैरह की व्यवस्था के लिए जो है मीटिंग बुलाई गई थी, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीमें रहेंगी। ये सारी विभाग की टीमें जो है अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारी दी गई है वो अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे, साथ ही साथ पूरे जो है क्षेत्र को पूरे शहर को 22 सेक्टर को जोन में बांटा गया है, जहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट की जो है राउंडिंग क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है और जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जिसमें SDM और COs रहेंगे। तो इनको इस तरीके से भी कहीं भी जो है हम लोग चाहते हैं कि इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम लोग इसमें पूरी तैयारी करते हैं। माय नेम इज हर्ष, मैं संकेशा मोहम्मदाबाद के पास संकेशा है, उस गांव का रहने वाला हूँ। प्रैक्टिस करने आते हैं या नहीं? प्रैक्टिस करने नहीं आते सर, यहाँ पे कमरा लेके रहते हैं, किराए पे रहते हैं सर मकान। अच्छा सर, वो फौज की नौकरी की तैयारी करनी है, चाहे वो एक दिन की हो या चार साल की हो, चाहे मतलब दो साल की हो, तैयारी करनी, मतलब जाना है, इच्छा है। सर बचपन से ही ख्वाहिश रही आर्मी में जाने के लिए, मतलब जब देखता था घर में है, परिवार में है लोग, तो उनको देखता था, सुनता था, तो मतलब थोड़ा उत्साहित होता था।